नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी महिला के बारे में जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। ये हकीकत है, जब हम किसी के मन में बचपन से ही कुछ विचार डाल देते हैं तो वह उनके मन में हमेशा वही चलता रहता है। ऐसी ही एक महिला थी महाराष्ट्र के अकोला जिले के छोटे से गाँव रोपड़खेड़ा में कल्पना सरोज का जन्म गरीब परिवार सामाजिक रूप से उपेक्षित परिवार में हुआ था। वह उनकी प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई थी। वह पढ़ने में बहुत होशियार थे। उन्हें पग पग पर शिक्षकों और अपने साथियों की उपेक्षा झेलनी पड़ती थी। समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण उनके पिताजी ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी और अल्प आयु में ही उनका विवाह करवा दिया। ससुराल जाने के बाद उनकी परिस्थिति और विकट हो गई। उन्हें वहाँ छोटी छोटी गलतियों पर मारा जाता था। कई दिनों तक खाना भी नहीं दिया जाता था। उनके पिताजी ने उनकी नरक जैसी स्थिति को देख हुए उन्हें गांव वापस बुला लिया। कल्पना सरोज अपनी जिंदगी से तंग आकर उन्होंने 3 बोतलें जहर की ले आई और अपनी बुआ के घर जाकर उन्होंने सारा जहर पी लिया और कुछ ही देर बाद उनके मुंह से झाग आने लगा। उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया और उनकी जान बचा ली। इस पल से ही उनका पूर्ण जीवन बदल गया था। जिंदगी से मिला दूसरा अवसर उन्होंने कुछ करने की ठान रखी थी। अपने सपनों को साकार करने के लिए वह मुंबई अपने चाचा के पास आ गई। मुंबई में एक कपड़े की मिल में उन्हें धागे काटने का काम मिला। धागे काटने के प्रतिदिन उन्हें 2 रुपये मिलते थे। पिताजी की नौकरी छूटने के कारण और बहन के इलाज के पैसे ना होने के कारण उनकी मृत्यु ने कल्पना सरोज को झंझोड़ कर रख दिया था। पूर्ण परिवार की जिम्मेदारी अब कल्पना सरोज पर आ गई थी। सभी समस्याओं का एक ही मात्र कारण था, वो थी गरीबी। उन्होंने ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी से गरीबी को ख़त्म कर देंगी। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने ही घर में कुछ सिलाई मशीनें लगवाई और दिन रात उन पर मेहनत करने लगी। उन्होंने अपना व्यवसाय करने की सोची, लेकिन वहाँ पर भी धन की समस्या आ गई। व्यवसाय के हेतु उन्होंने धन के लिए सरकारी लोन लेने के लिए सोची, लेकिन वहाँ पर भी समस्या उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। 50,000 रुपए का लोन दिलवाने के लिए उनसे 1,00,000 रुपए कमीशन मांगा गया। ऐसे भ्रष्टाचार को देखकर वे बहुत दुखी हुई और इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसमें लोगों को गवर्नमेंट स्कीम से लोन लेने में मदद मिल सकती थी। समाज के लिए निस्वार्थ सेवा कार्य करने से उनकी चर्चा बढ़ गई और उन्होंने समाज में एक अपनी अलग पहचान बना ली। स्वयं उन्होंने भी महात्मा ज्योतिराव फूले के अंतर्गत 50,000 रुपए का लोन लेके स्वयं फर्नीचर का व्यवसाय शुरू किया। अपना व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उन्होंने 2,50,000 रुपए का प्लॉट खरीदने का निर्णय लिया, लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो गया कि वह प्लॉट विवादास्पद है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। विवाद से संबंधित सभी मामलों को निपटा लिया। जो जमीन पहले 2,50,000 रुपए की थी, 50,000 रुपए की हो गई। इतनी ज्यादा पैसों को देखकर लोगों की नीयत खराब होती है और उनके जान के दुश्मन भी बन गए हैं। निडर रहकर उन्होंने अपने पास एक लाइसेंस युक्त रिवॉल्वर रखी और दुश्मनों को चेतावनी दी कि जब तक बंदूक की छठी गोली खत्म नहीं हो जा सकती, मुझे कोई नहीं मार सकता। इसी प्रकार उन्होंने अपनी जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। अंत में संघर्ष और हौसले के स्मरण के बाद 50 करोड़ की कंपनी का मालिक बना दिया। कमानी ट्यूब्स के स्थापना श्री एनआर कमानी द्वारा 1960 में हुई। लाबोर यूनियन और मैनेजमेंट के विवाद के बाद कंपनी बंद हो गई। उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया और मालिकाना हक मजदूरों को दे दिया गया, लेकिन मजदूर भी इसका सही संचालन नहीं कर पाए और कंपनी पर करोड़ों का कर्जा आ गया। कंपनी करोड़ों के कर्जे में थी और सभी वर्कर्स कल्पना सरोज के पास पहुंचे। कल्पना सरोज ये जानते हुए कि कंपनी पर करोड़ों का कर्जा है, उसके बावजूद भी वे कंपनी के साथ कार्य करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि लाखों मजदूरों को खाना पीना इसी कंपनी के द्वारा चलता है। उन्होंने अपने कौशल और अनुभव के कारण कंपनी को सही दिशा में ले जाना शुरू कर दिया। साथ ही वित्त मंत्री से मिलकर कर्ज पर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी माफ करा ली। उन्होंने कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करके कंपनी को फिर से वही दिशा दे दी। उनके इसी जज्बे को लगन को देखते हुए उन्हें कमानी इंडस्ट्री का मालिक बना दिया। कुछ ही दिनों बाद कंपनी पे जितना कर्ज था वो कर्ज भी उतर गया और मजदूरों का रुका हुआ पैसा भी
मजदूरों को मिल गया। उनकी कौशल और हिम्मत और जज्बे को देखते हुए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।